गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कॉलेज जा रहे थे हम लोग, पर मैं आधी नींद में उठ के ऐसे नींद नहीं आते, वो भी हमारे हॉस्पिटल के एरिया में। ये देखो हमारा हॉस्पिटल, ये तो जनरल हॉस्पिटल है, हमारा तो अलग उस साइड है। किस लिए? क्योंकि मेरी फ्रेंड ने पैर जला लिया और वो नीचे आ गई। तो गाइस सुबह सुबह खर्चा करके आँखों में नींद और पैरों में छाले लिए हम आ गए हैं गाइस वापस। हमारी हरकतें बाज नहीं आ रही है, मतलब हमें शांति से जीवन जीने की तो आदत ही नहीं है। हमें ऐसे चाहिए कुछ ना कुछ करते रहे जीवन में। आधी रात को बैठ के ये बंदी अपने पैर चला रही है, उसने फोन भी नहीं किया, आराम से बस सोचो। गाइस पता है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मतलब किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैंने कप फोड़ दिया, कप फूट गया, कप गर्म पानी डाला उसके अंदर और वो हाथ फूट गया। इस सोचने के बाद मैं तब से ये सोच रही हूँ कि कप फूटा ना, हाथ में कप था, वो पैर में कैसे गया? हाथ में नहीं था, टेबल पे पड़ा था। टेबल में मैंने उसको केटल में डाला और वो टेबल से फिर ऐसे अचानक फूट गया। टैलेंट है भाई, कप भी बहुत उछल पने वाला था। गाइस अभी हम सबकी नजरों में, बाद में जाके बात करते हैं। नहीं, ये देखो गाइस मेरे कॉलेज के प्रोफेसर, बहुत डेंजर है। डेंजर क्या है, छोड़ो गाइस, अपने पति को ऐसे ना उंगली पे नचाते। तुम चुप हो जा भाई। गाइस कंटेंट थोड़ा ओवरलोड हो गया था इसलिए हटाना पड़ेगा। कट कर देंगे, कट गाइस। सब बातें नहीं बता देना, अंदर की बात कुछ, है कुछ थोड़ा प्राइवेट रखते हैं हम। हाँ, भले हमारा ना हो पर हम कुछ बातें हम बोलना चाहते हैं बट हम बोल नहीं पाते। कोई नहीं गाइस, हमारा फाइनल ईयर हो जाएगा, हम बहुत ऐसे खुल के उसके बाद ना कॉलेज पे व्लॉग्स आएंगे, सीरीज निकलेगी, सीरीज रिव्यू देंगे हम हमारे कॉलेज के ऊपर। हमारी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे बात क्या थी। तो गाइस आ गए हम थके हारे सुबह सुबह हॉस्पिटल जाके वापस हॉस्टल। तैयार हो जाएंगे अब और बैग उठा के चल देंगे कॉलेज की तरफ। गाइस मैं तो कॉलेज नहीं जा रही हूँ, आज मेरा पेपर है पता है आपको, और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, रात से ऐसे कांड करा है मैंने उसके बाद से। कांड ये तो पानी पी रही थी, कांड तो इसे कप ने कर दिया। इसकी गलती नहीं थी, कप की गलती थी। सोचो टेबल पे पड़ा कप अपने आप फट गया। उसका मन कर रहा था, गर्मी बहुत है फट जाता हूँ। मतलब आज तक नहीं हुआ, मैं उस कप को कब से यूज़ करती आ रही हूँ, वो कप अचानक फट गया और इतना बड़ा छाला हो गया मेरे पैर पे। वो भी परेशान हो गया था, इतनी गर्मी में गरम पानी डाल दिया था, फट ही जाता हूँ। चलो हम लोग आ गए हैं हॉस्टल, अब तैयार होके मिलेंगे। A few moments later. आ गई हूँ मैं रूम में और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, गनगोर के व्लॉग्स के बाद में मैंने शूट नहीं किया था, इसलिए मैं गनगोर का जो लास्ट जो था ना कि उनको कुएं पे लेके जाते हैं उस टाइम का मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि जस्ट उसी दिन मैं निकली थी और ये सुबह सुबह की प्रोसेस होती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं शूट कर नहीं रही थी क्योंकि यार कुछ मन तो करता नहीं है, मतलब वैसे कि क्या शूट करें डेली लाइफ को, और कॉलेज जाऊँ तो फ़ोन निकालना अलाउड नहीं क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत वो होती ना, प्रोफेसर का मन किया तब कुछ भी बोल दिया और हम कुछ नहीं कर पाते। फ़ोन रख लेते हैं ऐसे बोलते हैं, बस अब गया तुम लोगों का फ़ोन, अब तुम लोगों को फ़ोन नहीं मिलेगा, बस ऐसे करके रख लेते हैं। फिर हमें कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, प्रिंसिपल के पास फ़ोन चला जाता है। इन सबसे अच्छा है कि शूट ही ना करो, इसलिए कुछ नहीं करती, बट ठीक है यार जो भी है। तो अभी तो बस आए हैं हम लोग हॉस्पिटल से और अभी तैयार होंगी मैं कॉलेज के लिए, पोस्टिंग के लिए। मेरी प्रोस्थो में पोस्टिंग है, प्रोस्थो मतलब बत्तीसी बनाने वाले डिपार्टमेंट में, तो चलेंगे वहाँ पे। चलेंगे तो क्या, मैं ही जाऊँगी, देखते हैं आज और क्या होता है। कल तो वैसे अच्छा गया था दिन, पर मेरी वजह से यार मेरी एक फ्रेंड का ना नुकसान हो गया था। हमें क्या होता है, जो जो पेशेंट का जो
इम्प्रेशन होता ना, दांत बत्ती से बनाने के लिए इम्प्रेशन लेना होता है, तो उसने इम्प्रेशन बना रखा था। और मैंने सोचा थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, उसने बोला कि थोड़ी थोड़ी सी मेरी यहाँ यहाँ हेल्प करा दे, मेरा हैंडवर्क ठीक था, तो मैंने क्योंकि मैंने कर रखा था पहले से उसको, तो मैंने थोड़ा सा जितना आता था उतना कराया, उतनी मैंने कोशिश की, लेकिन सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ एक चीज़ बाकी थी कि उसको हल्का सा और ट्रिम करना था। उस पूरे पूरा तैयार था, और उसको कल अपने पेशेंट को बुलाना था, या फिर एग्ज़ाम चल रहे थे, शायद नहीं बुलाती, बट फिर भी वो पूरा रेडी था। और इतने में सर आए, सर ऐसे मुझे आके खड़े हो गए पास में, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं अलग साइड, अपोजिट साइड में मुँह करके काम कर रही थी, और मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं उस साइड में देख लूँ, और वो सब लोग अपने काम में लग गए, हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर देखा तो सर आ गए, और सर खड़े होकर सिर्फ मुझे देख रहे कि हाँ लगे रहो। और फिर जो सर ने किया, सर ने बोला कि अपना काम नहीं कर सकते क्या खुद से, ऐसे वैसे करके डांट पड़ गई। फिर सर ने वो कास्ट ली और उसको जो बुरा लगा था, बट मैंने हेल्प कराई थी यार, पर हो गया बुरा, मैं नहीं चाहती थी, मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे, पर उसको मैंने सॉरी बोला, पर वही कि हाँ उसने भी कुछ ऐसा नहीं बोला, क्योंकि यार वो सर उसके पीछे पहले से ही पड़े थे कि हाँ उसको बार बार, एक होता है ना कि एक एक स्टूडेंट को टीचर ना पकड़ लेता है, इसको तो परेशान करना ही है, वो वैसे वाला सीन था, तो उसकी कास्ट थी इसलिए सर को तोड़नी ही थी, सर ने सुना भी नहीं। जो भी है, अब मैं जाने वाली हूँ तैयार होके कॉलेज, हो सका तो ज़रूर शूट करूँगी, बाकी मुझे लगता नहीं है, बाकी देखते हैं, होपफुली आज का दिन अच्छा जाए, बस मैं यही चाहूँगी। गाइस टीचर से जलील होके आ गए, लाइब्रेरी जा रहे हो। गाइस हम आ गए लाइब्रेरी, ये हमारा लाइब्रेरी का एरिया, मैं अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि कल मैं भी एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी करवाने गई थी और उसको 2 रुपये देना भूल गई, और आज भी मैं लेके नहीं आई, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही। बट गाइस पता है क्या हुआ, टीचर्स ना बेइज्जती करने में एक भी जगह नहीं छोड़ते। कल का जो मैंने आपको बताया था मेरी फ्रेंड के साथ, मतलब मेरी वजह से जो उसके साथ हुआ था, तो सर ने मुझे बोल ही दिया आखिर कि मैं किसी को असिस्ट नहीं कर रही, मतलब हद देखो, बेइज्जती करने का पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, बस बच्चे इज्जत के साथ कैसे जी ले, ये टीचर्स को बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे सीधा ये बोला अटेंडेंस लेने के बाद में, यू आर नॉट असिस्टिंग एनीवन टुडे, और मैं ऐसे कि सर मैं मुझे 2 मिनट लगे समझने में कि भाई सर ने मेरी बेइज्जती करी है, पर यार कोई नहीं, बस कॉलेज लाइफ है, उसके बाद में कभी नहीं भाई टीचर्स के सामने रंगे हाथ तो पकड़ जाना मतलब ज़िंदगी भर की टोंट। और अब मेरी फ्रेंड गई है अंदर लाइब्रेरी, वो भी एप्लीकेशन कॉपी कराने, मैं इसी रीज़न से नहीं गई, उससे भी वही कल वाला सीन, तो अब हम लोग जाएंगे नीचे फिर से, फिर वो जाए, बहुत थक गए यार, अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ फिर भी थक गई मैं तो थक गई, तो अब जाके नींद उड़ी है। मेरी फ्रेंड का पैर जल गया था सुबह सुबह, आप लोगों ने देखा तो नहीं था बट आप लोगों को बताया था मैंने कि उनका उसका पैर जल गया। मुझे डिपार्टमेंट में आते इतनी नींद आ रही थी ना, और जब सर ने मुझे ये बोला ना, मेरी नींद ही उड़ गई। क्या हुआ? सॉरी गाइस, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट देने से ही मना कर दिया हमें 2 रुपये के लिए। 2 रुपये के लिए गाइस, यही है वो लड़की जिसकी कास्ट कल मेरी वजह से टूटी थी, और ये फिर से मेहनत करने लग गई, देखो मेहनती बच्चे। सच में कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी मेडिकल बजा देते हैं भाई ये लोग, टीचर बड़े एक मौका नहीं छोड़ते। हम लोग बैठे थे तो उनको बैठे पसंद नहीं आए कि तुम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, बैठो तो प्रॉब्लम, काम करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, करे तो करे क्या, अब बोले कि जाओ जाके सामान लेके आओ। अब मैं सामान लेने आई हूँ, एओटर, ये हमारी कैविटी बनाने के काम में आता है, मैं जा रही हूँ। अब हमें 32 भी लेके जानी पड़ेगी, ये हमारी 32, अब इस पर सर हमें डेमो देंगे कैप कट का, कैप को जो अपना ये क्राउन होता है ना, क्राउन कटिंग की डेमो मिलेगी। सो
आई एम बैक, आ गई हूँ मैं हॉस्टल। ये दिखा होगा ना, ये ना ये प्रिपरेशन के स्टेजेस थे, तो मैंने तीन ही लिखे क्योंकि दो याद हो गए थे। तो हमें आज डेमो मिला था, टूथ प्रिपरेशन जो करा था ना, जो कैपिंग करते हैं, आज हमें वो सिखाया था। कैपिंग नहीं सिखाई थी, मतलब जो दांत को जो स्पेस बनाना होता था वो सिखाया था हमारे सीनियर ने। तो वो तो गया था, फिर उसके बाद आज तो डेमो मिला है। अब हम लोगों को करना है, कल है छुट्टी रामनवमी की, और फिर परसों हम लोग डेमो के ऊपर काम करेंगे। हो जाए तो अच्छी बात है, हो ही जाना है वैसे। बस कुछ दिन इस पोस्टिंग के निकालने हैं, बहुत काम होता है इस पोस्टिंग में। घूमते रहो फिरते रहो, जल्दी से होता भी नहीं है। जो भी है, तो आ गई मैं हॉस्टल और मस्त। आज तो अच्छा मंचूरियन बने थे हमारे मेस में। कभी कभी अच्छा खाना बनता है, बाकी बहुत गंदा खाना बनता है, बहुत गंदा खाना बनता है। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं इसका खाना कैसा होता है, इतना गंदा बनता है, इतना गंदा। और फिर इतने दिन तो पानी भी इतना गंदा आ रहा था, कल पता नहीं क्या साफ़ सफाई करवाई है, कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, ठीक है जैसे भी है। हॉस्टल की क्या ही बुराई करना, सबको पता है कितना बुरा होता है। तो मैं बहुत थक चुकी हूँ पोस्टिंग से आके, मैं थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं शाम को। तो गाइज, जैसे ही मैं सोने के लिए जाने लगी, इतने में मेरी नींद में दखल आ गया और मेरे घर से फ़ोन आया और उन लोगों ने बोला कि गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश पे आपको आना है। तो ऐसा ऑर्डर आने की वजह से मैं सो तो सकी नहीं। मैं जाके पहले मैम से पास लेके आई, फिर मुझे पता लगा कि हाँ बस मुझे जाना ही है, अगर तो पैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो बस बैठ के पैकिंग करेंगे और जाएंगे घर पे। दो दिन के लिए जाऊंगी, के दिन से तो बेटर होगा कम से कम एक दिन की छुट्टी होगी, वरना तो मैं जाती हूँ सिर्फ चार दिन के लिए और मुझे घर वाले 15-15 दिन रोक लेते हैं। उसके बाद भी ऊपर से ये बोलते हैं नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते, क्या करें, छोड़ो नारियल पानी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैं घर जा रही थी, घर जा रही हूँ, मैंने कैंसिल करा दिया गाइस। मतलब इस बंदी का ना कभी यहाँ मन लगता ही नहीं है, दो दिन आती है नहीं, मेरा मन लगता है, मन लगता है लेकिन होता है ऐसा। हाँ तो गाइस, मैं क्या बोल रही थी कि मैं घर जाने वाली थी है ना, और इसने कैंसिल करवा दिया था पूरा। मैंने तो पूरी अच्छी तरीके से कैंसिल कराया था, पर अब ये मैडम फिर से घर जा रही है। पर एक मिनट पहले मेरी मम्मी का फोन आया, उन्होंने बोला आज जा, जा देखो इसको, देखो इसको देख लो, इसको ये दिखनी चाहिए। मेरे को दिखाओ, तुम अपने आप को क्या दिखा रही हो? हाँ सही है, मैं मुझे तो आप देख ही चुके हो, हर ब्लॉग में देखते हो। इसको देखो, ये देखो। हाँ तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ। मतलब गाइस, इसका कभी मन नहीं लग सकता, मेरा मन लगता है, मन की बात नहीं है। चार दिन हॉस्टल आती है, फिर उसके बाद फिर घर चली जाती है। घर वालों का मन नहीं लगता मेरे बिना, रह ही नहीं सकती है हॉस्टल में। पर इस बार सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूँ इतिहास में। मेरे को तो लग रहा है बोल बोल रही है नहीं। देखना आप, आपके सामने अब व्लॉग बन रहा है इस चीज का, अब पता चल जाएगा कि क्या है। आऊंगी, तो पता चल जाएगा, एक ही दिन में आऊंगी, एक ही दिन में देखते हैं गाइस। आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ, जुबान दे रही हूँ मैं व्लॉग पे, तुम्हारी जुबान झूठी है। नहीं आऊंगी, कल आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पोस्टिंग ज्वाइन करनी है ना, वरना रोज रोज एप्लीकेशन काम नहीं करती ना। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। काम कर जाएगी, पर बहाने काम नहीं करेंगे ना डेली के लिए। हाँ वो भी सही है, रोज रोज मेडिकल थोड़ी ना बनते हैं, रोज रोज बीमार थोड़ी ना होते, नकली मेडिकल नहीं बनते, करेक्शन। हाँ वही, नकली मेडिकल कभी नहीं बनते, रोज रोज। आ जाऊंगी एक दिन में, आ जाऊंगी, देखते हैं गाइस, देख लेना। इसको देख लो, छोड़ो छाता, छोड़ो इसको देख लो। Hours later. फाइनली घर जा रही है, मतलब इतना मैंने वो कोशिश करी कि घर ना जाए, ना जाए, ना मैंने जाए। भी मैंने भी कोशिश करी, पर फिर भी घर जा रही है। नींदों में से उठ के वो भी सीधा ऐसे भाग भाग के पैकिंग करी है, झोला लेके हम निकल रहे। एक दिन के लिए जा रही हूँ लेकिन सिर्फ, चलो बाय बाय, वेट करना।